हम यहां से जा रहे हैं। सृष्टि जी, ये क्या कह रही हैं आप? सृष्टि जी, हम आपको घर छोड़ के नहीं जाने देंगे। सृष्टि जी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। अनुराग, तुम कहां है उसके पीछे पीछे जा रहे हो? उस एकर के चक्कर में इस घर का इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। उसको रोकने का कोनो फायदा है का? अरे इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम अपना पत्नी पर ध्यान दो। बस कीजिए माँ, आप क्या कह रहे हैं? आप जानती हैं आप क्या बोल रहे हैं? सृष्टि इस घर का हिस्सा है। सृष्टि इस घर में अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए आई थी, और आप सृष्टि पे ही इस घर की इज्जत उछालने का इल्जाम लगा रही हैं। सृष्टि जी, आप घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सृष्टि जी, ये देखिए, हम कमरा कैसे सजाएं आपके लिए। हम चाहते थे आपको सरप्राइज दे। सृष्टि जी, माँ आपसे थोड़ा गुस्सा है, लेकिन उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सृष्टि जी ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी कहाँ ले जा रही है आप हमें? देखिए, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो आप हमें आज नहीं रोकेंगे। नहीं सृष्टि जी, दरवाजा खोलिए। सृष्टि जी दरवाजा खोलिए। देखो बेटा, घर का मान मर्यादा का जो ध्यान नहीं ना रखेगा, उसका कोनो जगह नहीं है यहाँ। हमारी सिर्फ एक ही बहू है, वो है रागिनी। किस बहू की बात कर रहे हैं? इसकी? आज इसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर इस घर की इज्जत मिट्टी में मिली है तो आपकी इसी बहू की वजह से मिली है, सृष्टि की वजह से नहीं। इसकी वजह से जितना शर्मिंदा आज मैं हुआ हूं ना, मैं कभी लाइफ में नहीं हुआ था। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये है। अरे, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रहे? तुमने क्या किया है? तुमने गाली दी है मेरी मेहनत को और मेरे संस्कारों को। क्या तुम मेरे लायक बनने का नाटक करती हो? और पीठ पीछे तुम मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश करती हो? अरे अनुराग, हमको भी तो बताओ क्या हुआ है कि इतना गर्म में दिखा रहे हो तुम। अनुराग, क्या हुआ हमको पूरा बात बताओ। क्या बताओ दादी आपको? इस लड़की ने मेरा पूरा करियर, पूरी मेहनत सब बर्बाद कर दिया। मेरा प्रोजेक्ट, जो मेरी आखिरी उम्मीद थी, इसने इसके बाप और भाई ने मिलकर सब बर्बाद किया है। अरे, हम आपका काम काहे बिगाड़ेंगे? आप तो हमारे मिस्टर जी है ना। यही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा करके क्या मिला, बोलो मुझे। देखिए, हमारे घर वालों को आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। मुझे गलतफहमी हो सकती है ना? तुम्हारा भाई, उसे तो गलतफहमी नहीं हुई ना। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे भाई पराग ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर को जान से मारने की धमकी दी है। और जिन्होंने मेरा प्रोजेक्ट मुझे देना था, वो लोग सब रैप अप करके यहां से चले गए। कुछ नहीं बचा यहां पे मेरे लिए अब। देखिए, अगर पराग भैया ने ऐसा कुछ किया ना, तो बहुत ही गलत किया। हम अभी उनसे फोन करके पूछते। बंद करो अपने नौकरी।
मैं सब जानता हूँ। तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप सब मिलके क्या खेल खेल रहे हो यहाँ पे? देखिए, हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुआ है। हम बात करते हैं ना, कोई ना कोई। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी बकवास सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है मुझे। अनुराग, हमारा बात सुनो बेटा। पौराणिक, सृष्टि जी, सृष्टि जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। सृष्टि जी, पता नहीं सब कहा है, हमें छोड़ के चले जाते हैं। सृष्टि जी, आप हमको छोड़ के मत चाहिए ना, खोलिए ना दरवाजा। सृष्टि जी, विशु, अनुराग भैया उनको रोकिए ना, वो अपनी बात नहीं मान रही है, आप प्लीज उनको रोकिए ना। विशु, रोते नहीं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ ना, सुन लो। सृष्टि, प्लीज ओपन द डोर। सृष्टि देखो, एक घर में सब रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन घर छोड़ने की बात नहीं करते। प्लीज जस्ट ओपन द डोर, विल सिट एंड टॉक, सब सॉल्व हो जाएगा। सृष्टि कम ऑन, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ किड। सृष्टि, जिस बात पे हमारी कोई गलती भी नहीं थी, उसका हमें दोषी बना के यहाँ कानून की देवी के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये था आपका जरूरी काम? अपने लिए तो कभी इतना तकलीफ नहीं देखे आपकी आंखों में। सृष्टि, प्लीज ओपन द डोर। हमें झूठा इल्जाम लेके ना यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें आपसे बात करनी। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, तुम समझी? जब हम कह रहे हैं हमसे बात कीजिए तो हमसे बात कीजिए। तुम सृष्टि जी को कौन रोकेगा? सृष्टि जी, कोई ले दरवाजा प्लीज। सृष्टि जी, हम कह रहे हैं हमसे बात कीजिए आप, कि आप हमसे काहे बात करेंगे? आपका दिल तो कानून की देवी के लिए ना तड़पता है, हाँ? हम तो आपके लिए मायने ही नहीं रखते हैं, जो दिल में आया वो बक दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मिस्टर जी, बात कीजिए हमसे, हमारा सच तो आपके लिए मिट्टी है। जब हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो आप हम पे भरोसा काहे नहीं कर रहे हैं, हाँ? अपना नतीजा निकाल के फैसला सुना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अरे हमारा सफाई भी तो सुनिए आप। क्या क्या सफाई दोगी तुम? ये सब तुम्हारे उस सगे भाई का किया धरा है ना, तो उसमें क्या सफाई देना चाहती हो तुम? और मैं क्या सुनूं? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हम जो कह रहे हैं ना उसे समझिए। अगर पराग भैया से कोई गलती हुआ भी है तो उसका सजा आप हमें कैसे दे सकते हैं? ज्यादा बनने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमसे और तुम्हारे वो गवार परिवार से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जो चीज पसंद आई उसे किडनैप कर लो, जो चीज नहीं अच्छी लगी उसे मार दो, और कर क्या सकते हो तुम लोग? बार बार ना हमारी फैमिली का बहाना बना के हमें कोसना बंद कीजिए आप। हमारी फैमिली खराब है ना, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। माना कि आपकी शादी हमसे जबरदस्ती कराई गई थी और उसी का ही भुगतान हम कर रहे हैं। न जाने का नहीं किए हम अपने गलती सुधारने के लिए। आपके लायक बनने के चक्कर में ना हम रागिनी सिंह भी नहीं रहे हैं, फिर भी आपका दिल नहीं पिघला तो ताजमहल मांग लिए हैं आपसे? सिर्फ यही ना मांग लिए कि जो कुछ हुआ है उसे भूल के हमें अपनी पत्नी का हक दे दीजिए, लेकिन आपसे वो भी नहीं दिया जा रहा है। जिस हक की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और ये बात मैं तुम्हें हजार बार कह चुका हूं, लेकिन तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं आती तो मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हें तो बस जिद है कि जो चीज तुम्हें पसंद है वो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम विकराल सिंह की बेटी जो। लेकिन मैं भी कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाहे तब खेल सको। और तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हें अपनी वाइफ का हक दे दूंगा तो हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंसेस है, सब खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, अब मैं बनाता हूं तुम्हें अपनी वाइफ। Let's try. क्या प्रॉब्लम है? तुम यही चाहती थी ना, तो आओ। जलील कर लिया आपने हमें मिस्टर जी। हम आपसे प्यार मांगे थे, आप तो खैरात देने पे उतर आए। ये सब जो आप कर रहे थे ना, ये आपके लंदन में होता होगा। हमारे यहाँ साथी को इज्जत दी जाती है, उसकी इज्जत उतारी नहीं जाती है। मिस्टर जी, ये सच है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमें हमारा मान उतना ही प्यारा है। हमें माफ कर दीजिए मिस्टर जी, लेकिन शायद हम गवार के गवार ही रहेंगे। और आज हम ये बात समझ लिए हैं कि हम आपके लायक ना कभी नहीं बन सकते। बहुत परेशानी है ना आपको हमसे, आपका ये परेशानी ना आज दूर कर देते। अब नहीं रह पाएंगे आपके बिना। जी। अनुराग जी, हम हमेशा से आपको अपना मिस्टर जी मानते आए, लेकिन आपने कभी भी हमें अपना मिसेज नहीं समझा और ना ही आप कभी समझेंगे। आप हमेशा से ना हमारे मुस्कुराने का कारण रहे हैं, और हम आपकी मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं बन पाते। आपको इस रिश्ते में हमेशा कांटे चुभे हैं ना, तो आज हम इस कांटे को निकाल देते हैं। हम माता रानी के सामने
आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं। आज से आपको हर बंधन से मुक्त किया। आज से आपको ना हमारे कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और हाँ, आप कहते हैं ना आपने हमसे शादी इस परिवार की जान बचाने के लिए की थी, तो आज आपको इस डर से भी आजाद कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाबूजी को इस बारे में पता ना चल पाए जो हमारे बीच हुआ।
लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो उनको पता चलेगा ना। इसलिए आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप लंदन वापस चले जाओ।